मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं। एंटीलिया केस में सचिन वाजे के साथ फाइव स्टार होटल में दिखी मिस्ट्री वुमेन की गुत्थी भी सुलझ गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस महिला को भी हिरासत में ले लिया जो 16 फरवरी को साउथ मुंबई स्थित एक फाइव स्टार होटल में सचिन वाजे के साथ दिखी थी। दरअसल एनआईए मुकेश अंबानी के घर के पास से बरामद एसयूवी और मनसुख हिरेन के निधन के मामले में गुरुवार को दक्षिण मुंबई के एक होटल और एक क्लब की तलाशी ली। इसके अलावा एजेंसी ने ठाणे के एक फ्लैट में भी तलाशी अभियान चलाया जहां से उस महिला को हिरासत में ले लिया गया। बताया जाता है कि ये महिला मुख्य आरोपी सचिन वाजे की करीबी सहयोगी है जिसे हिरासत में ले लिया गया। खबर के मुताबिक एनआईए ने शाम को जिस महिला को हिरासत में लिया वो वही है जो होटल में सचिन वाजे के साथ दिखी थी। हिरासत में लेने से पहले उससे पूछताछ भी की गई। एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि महिला सचिन वाजे के काले धन को सफेद करने के लिए काम कर रही थी। उसने दो आईडी का उपयोग करके ऐसा किया और उसके पास नोट गिनने की मशीन थी जो पिछले महीने वाजे की मर्सिडीज कार में मिली थी। दरअसल 16 फरवरी को जब सचिन वाजे दक्षिण मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में देखे गए थे तो उनके साथ एक महिला थी और 5 बड़े बैग थे। मिस्ट्री वुमेन की जानकारी अब तक तो सामने नहीं आई थी। हालांकि उन बैगों को लेकर कहा गया कि उनमें कैश थे। एनआईए के सूत्रों ने यह कंफर्म किया था कि घटना वाले दिन सचिन वाजे पैसों से भरे 5 बैग लेकर जा रहे थे। एक एजेंसी के मुताबिक एनआईए अधिकारियों ने बताया कि एनआईए का एक दल दोपहर करीब 1:15 बजे बाबुलनाथ मंदिर के पास सोनी बिल्डिंग में बने एक होटल और क्लब में पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि होटल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों को परिसर खाली करने को कहा गया। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान एनआईए के कर्मचारियों ने क्लब और होटल में कुछ लोगों से पूछताछ की। जांच दल करीब 3 घंटे बाद वहां से रवाना हुआ। गांव देवी थाने के कुछ अधिकारी भी वहां मौजूद थे क्योंकि ये इलाका इसी थाने के तहत आता है। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी मामले में अपनी जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को हाल ही में बाबुलनाथ इलाके में लेकर आई थी। वहीं एनआईए के दूसरे दल ने ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित एक फ्लैट की भी तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि इस फ्लैट में एक महिला रहती थी और ये करीब 2 हफ्ते से बंद था। उन्होंने बताया कि उस महिला को शाम में हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया। महिला कथित तौर पर वाजे की करीबी सहयोगी है। बता दें कि अंबानी के घर के पास एक एसयूवी से जिलेटिन की छड़े बरामद होने के बाद से वाजे एनआईए के जांच के घेरे में आया था। वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वाजे को निलंबित कर दिया गया था। एनआईए ने बुधवार को दावा किया था कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक वाहन में मिले जिलेटिन की छड़ों की खरीद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने की थी। एनआईए ने एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 2 हार्ड डिस्क, 2 वाहन नंबर प्लेट, 2 DVR और 2 CPU को गोताखोरों की मदद से मीठी नदी से बरामद किया था। एनआईए 25 फरवरी को अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन छड़ों के साथ एसयूवी खड़ी करने और कारोबारी मनसुख हिरेन के निधन के मामले में वाजे की कथित भूमिका की जांच कर रही है। हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे के मुंब्रा कस्बे में एक नाले में मिला था।